जय माँ गल, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। जी आज का जो मेरा वीडियो है सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई थी 2022 में। जी हाँ, 20 दिसंबर 2022 तक आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। 787 आप लोग की टोटल वैकेंसी थी। वैकेंसियां आप लोग की बीच में इंक्रीज की गई थी। जी हाँ, वैकेंसियां इंक्रीज होकर 1025 आप लोग की हो चुकी थी। आप लोग के सेक्टर वाइज, ट्रेड वाइज, कैटेगरी वाइज आप लोग की वैकेंसी थी। यह कई ट्रेडों में वैकेंसी निकल के आई थी। कुक, स्वीपर, वाशरमैन, बार्बर, कोबलर, टेलर, पेंटर, मेसन, प्लम्बर, माली और वेल्डर की आप लोग की वैकेंसी थी। वैकेंसी बहुत ही अच्छी। फिजिकल, ट्रेड टेस्ट आप लोग के समय पे ले लिए गए। इसके बाद आप लोग का रिटर्न एग्जाम भी आप लोग का लिया गया। 31 अक्टूबर 2023 का समय था। जी हाँ, ऑनलाइन आप लोगों का एग्जाम हुआ। इसके बाद मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ चुका है। आप लोगों ने अपना अपना रिजल्ट देख लिया होगा। पीडीएफ वगैरह भी आप लोगों की दे दी गई है। पीडीएफ में जितने कैंडिडेट मेडिकल के लिए बुलाए गए हैं वही कैंडिडेट यहां पे रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई कर सके, यानी कि उस लिस्ट में जिसका भी नाम है वही रिटर्न एग्जाम क्लियर कर सके हैं मेडिकल के लिए। और ये मान के चलिए मेडिकल क्लियर करते ही इनका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 1025 पोस्ट थी, 1000 प्लस कैंडिडेट यहां पे पास किए गए हैं मेडिकल के लिए। मेडिकल यहां पे स्टार्ट है आप लोग के 15 जनवरी 2024 से। जी हां, 15 जनवरी 2024 से आपके मेडिकल स्टार्ट है, जो कि 19 जनवरी 2024 तक चलने वाले हैं। यदि आप लोग का भी मेडिकल है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने आप लोग को दे दिया इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उससे जुड़ जाइए। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो वहां पे आप लोग पूछ सकते हैं। चलिए, इसके अलावा बार आ रही है कि सर एडमिट कार्ड आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। जी हाँ, आप लोग को लॉगिन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड वगैरह जो भी आप लोग का मैसेज वगैरह आया होगा, ठीक है, वही रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड वगैरह आप लोग डाल के लॉगिन करेंगे, वहां पे आप लोग का रिजल्ट शो हो जाएगा। मेरे वीडियोस देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोग को पूरी डिटेल दी हुई है, क्या कट ऑफ गई है आपके सेक्टर में, आपके ट्रेड की कितनी कट ऑफ गई है, आपके कितने मार्क्स हैं, आप क्वालिफाई हैं नहीं है। यदि क्वालिफाई हैं तो प्रिंट एडमिट कार्ड का ऑप्शन आप लोग को आ जाएगा। हिंदी, इंग्लिश किसी में भी आप लोग जो है एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, यदि मेडिकल के लिए आप क्वालिफाई हुए हैं, या फिर पीडीएफ में भी आप लोग अपना नाम सर्च कर सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आप लोग को लगातार प्रोवाइड कर रहा हूं। तो काफी कैंडिडेट हैं जो एक्स्ट्रा नॉलेज हिंदी चैनल से जुड़े हुए हैं। जी हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप से, और सिलेक्शन हुआ है मेडिकल के लिए। तो मेडिकल की आगे की इन्फॉर्मेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स को लेकर के परेशान है सर, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, डॉक्यूमेंट्स सारे आपके वही रहेंगे जो आप लोगों ने फिजिकल के समय दिए होंगे, यानी कि फिजिकल के समय आप लोग लेकर के गए होंगे, वही डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं। कोई नया डॉक्यूमेंट आप लोग को बना करके नहीं लेके जाना है इस समय का। जी हाँ, और फिजिकल के समय यदि कुछ इंस्ट्रक्शन आप लोग को दिया हो कि ये डॉक्यूमेंट आप बनवा लीजिए, ये आपका कंप्लीट नहीं है, जैसा भी आप लोग को इंस्ट्रक्शन दिए गए होंगे तो आप लोगों ने उन डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करा लिया होगा, तो वही डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के जाने हैं। जी हाँ, फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट के पहले के ही आप लोग के डॉक्यूमेंट होते हैं, और यदि पहले के नहीं थे, आपने न्यू बना करके आप लोग फिजिकल के समय गए थे और वैलिड था, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग वही लेकर के जाइए। नहीं तो आप लोग की जो वैलिडिटी होती है वो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट से पहले के ही डॉक्यूमेंट होने चाहिए। जैसे कि आप लोग का ईडब्ल्यूएस हुआ, ईडब्ल्यूएस आप लोग का 2022-23 का होना चाहिए। जी हाँ, और फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट यानी कि 20 दिसंबर 2022 से पहले के ईडब्ल्यूएस। इसी प्रकार से ओबीसी आप लोग का इससे पहले का ही होता है, एससी एसटी वगैरह, ठीक है, डोमिसाइल वगैरह भी आप लोग को लेकर के जाना है। तो कुल मिलाकर के फिजिकल के समय जो डॉक्यूमेंट लेकर गए थे आप लोग वही लेकर के जाइए, कोई न्यू डॉक्यूमेंट आप लोग को लेकर के नहीं जाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने इसकी जानकारी मैं आप लोग को लैपटॉप स्क्रीन पे दे देता हूं, वीडियो देखिए विदाउट टेंशन। जी हाँ, मेडिकल देने जाइए, मेडिकल क्लियर कीजिए, सिलेक्शन आप लोग का है। यदि कोई मेजर प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं है, कोई आप लोगों को भर्ती से नहीं रोकेगा, आने वाले समय में मेडिकल के ऊपर भी एक वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन। तो अभी हम लोग लैपटॉप स्क्रीन पे हैं, आप लोग देख सकते हैं, ये है आप लोग का सीआईएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 2022। टोटल पोस्ट आप लोग की 1025, मेडिकल आप लोग के 15 से 19 जनवरी 2024 तक चलने वाले हैं। टोटल कैंडिडेट यहाँ पे 1003 आप लोग को बुलाए गए। तो मेडिकल क्लियर कीजिए, सिलेक्शन लीजिए। जी आप, और एडमिट कार्ड वगैरह कैसे डाउनलोड करने हैं इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ, वीडियो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, मेडिकल के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, डॉक्यूमेंट आप लोग को पूरी डिटेल दी गई है। सबसे पहले जो भी एडमिट कार्ड आप लोग को जारी किया गया है मेडिकल के लिए, वो एडमिट कार्ड आप लोग को लेकर के जाना है, और उसपे जो आप लोगों को कलर, पासपोर्ट साइज, फोटोग्राफ मांगा गया है वो फोटोग्राफ आप लोगों को लगाना है। जी, आप लोग देख सकते हैं, यही एडमिट कार्ड है आप लोग का। एडमिट कार्ड में आप लोगों से यहाँ पे बोला गया है फोटोग्राफ चिपकाने के लिए, तो आप लोग को रिसेंट पासपोर्ट साइज, कलर, फोटोग्राफ आप लोग को यहाँ पे चिपकाना है। चलिए, फोटोग्राफ आप लोग चिपका लेंगे, और इसके अलावा आप लोग को 10th की सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी
मीन्स आप लोग को मिलती है, ठीक है, वो आप लोग लेकर जाएंगे। सर्टिफिकेट है तो वेल एंड गुड, बहुत ही अच्छा, स्टैंड की सर्टिफिकेट आप लोग ले लेंगे। यदि आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, मार्कशीट मिलता है तो मार्कशीट ले लेंगे, ठीक है, जो भी चीज आप लोग के पास अवेलेबल है ले लेंगे। इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे, यदि आप लोग SC ST OBC EWS से आते हैं, आपने उससे फॉर्म को अप्लाई किया है, तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। और फिजिकल के टाइम जो आप ले गए थे वही लेकर के जाइए, कोई न्यू बना करके आप लोग को लेकर जाने की जरूरत नहीं है मेडिकल के लिए। जी हाँ, इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे, इसको लेकर के भी स्टूडेंट परेशान थे। इसके अलावा आप लोग को डोमिसाइल या फिर PRC परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनता है, ठीक है, वो आपको लेकर के जाना है। तो डोमिसाइल आपको जरूरी है, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए आपकी जो वैकेंसी है यहाँ पे कैटेगरी वाइज, ग्रेड वाइज, और आप लोग की जो है सेक्टर वाइज आप लोग की वैकेंसी है। तो इन सब चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आप लोग का एक्स सर्विसमैन। यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन है तो आप लोग को डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। एक्स सर्विसमैन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप लोग हिल एरियाज से आते हैं या फिर ST कैटेगरी से हैं और आप लोग हाइट और चेस्ट में आप लोगों ने छूट लिया है, तो आप लोग को उसका सर्टिफिकेट लेकर के जाना पड़ेगा। जी हाँ, इसके अलावा आप लोग को 3 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेकर के जाना है। एक फोटोग्राफ तो आपने एडमिट कार्ड पे लगाना ही लगाना है, और 3 आप लोग को साथ में लेकर के जाना है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो आप लोग का आईडी प्रूफ आप लोग का इम्पोर्टेंट है। आईडी प्रूफ आप लोग जरूर रख लेंगे, एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आप लोग का इम्पोर्टेंट है। आईडी प्रूफ के अंतर्गत आप लोग का आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट वगैरह आप लोग का हो सकता है, ठीक है, स्कूल आईडी कार्ड वगैरह, तो आप लोग इनमें से कुछ ना कुछ आप लोग जरूर ले लेंगे ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सभी ओरिजिनल और एक एक फोटोकॉपी आप लोग को लेकर के जाना है, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट आप लोग को बताए गए हैं ये ओरिजिनल आप लोग को लेकर के जाने हैं और एक एक फोटोकॉपी आप लोग करवा लेंगे। इसके अलावा एडमिट कार्ड पर दिए गए समय सेंटर पर मेडिकल पर पहुंच जाए, तो जिस समय आप लोग को बुलाया गया है उस समय आप लोग को अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पे बताया गया है, जो समय आप लोग को दिया गया, डेट टाइम और जो सेंटर आप लोग को दिया है वहां पे आप लोग पहुंच जाएंगे। जी हाँ, समय से आप लोग पहुंचेंगे ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। चलिए, इसके अलावा आप लोग को मेडिकल में 1 से 2 दिन का समय लग सकता है। बिल्कुल 1 से 2 दिन का समय नॉर्मल आप लोग का लगना ही लगना है। 2 दिन का समय आप लोग बिल्कुल मान के चल सकते हैं, और 15 से 19 तक आप लोग का यहाँ पे मेडिकल चलने वाला है। जाने का रिजर्वेशन आप लोग करा लीजिए, आने का रिजर्वेशन की आप लोग को अभी जरूरत नहीं है। यदि किसी को मेडिकल में कोई पॉइंट बनता है, जी हाँ, मेडिकल में कोई पॉइंट आपका बन रहा है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम पाई जा रही है, मीन्स कई प्रकार के पॉइंट होते हैं मेडिकल में, आप लोगों ने मेडिकल देखा होगा, वीडियोज मेरे देखे होंगे तो आप लोग को जानकारी होगी, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई पॉइंट आप लोग का बनता है तो आप लोग री मेडिकल के लिए अप्लाई करेंगे। 24 घंटे का समय ही आप लोग को यहाँ पे मिलने वाला है री मेडिकल के लिए, ध्यान रखिएगा। तो री मेडिकल, मेडिकल वगैरह सब कुछ आप लोग का क्लियर हो जाएगा। आप लोग के जो है यहाँ पे मेडिकल स्टार्ट हो रहे हैं 15 जनवरी से, तो यही डॉक्यूमेंट है जो फिजिकल के समय लेकर के गए थे। कुछ स्पेशल आप लोग को लेकर के नहीं जाना है, किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं, बिल्कुल फ्रेश माइंड जाइए। अपने हेयर की कटिंग वगैरह और साफ सफाई, जो भी नेल वगैरह है, कान वगैरह, ठीक है, ये सब साफ सुथरे होने चाहिए, और बिल्कुल किसी प्रकार की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप लोग पूछिए, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो बेस्ट ऑफ लक आप सभी लोगों को, मेडिकल क्लियर कीजिए, सिलेक्शन लीजिए, और मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगा, यदि चैनल पर चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए, ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए आते रहे। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट।